Hello friends, welcome back to my channel. Lots of love from Nina. आज आपको दिखाएंगे हमारी जैसे गार्डन में लगी है लौकी और छत पे भी लगी है लौकी और ग्राउंड फ्लोर पे लगा है हमारा एक कद्दू. ये हमारे किचन गार्डन का भी ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाए हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारी सब्जियाँ लगी हैं जैसे टमाटर हो गई हैं और बीन्स हैं. बीन्स लगी 1.5 किलो, टमाटर भी 2 किलो कम से कम निकला है. और ये हस्बैंड मेरे टमाटर दिखाते हुए, अभी बहुत सीजन में महंगा हो रखा है टमाटर. और यहाँ पे हमारा किचन गार्डन में लेके चलते हैं आपको. मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं ताकि तोड़ सकें, क्योंकि बेल से सारा ढक गया है. यहाँ पे भिंडी का भी है, सारे बेल से ढक चुके हैं. और मिर्ची का भी पौधा है यहाँ पे. और यहाँ पे मूली लगी हुई, मूली को निकाल रहे हैं क्योंकि अब इसका ऑफ सीजन हो चुका है. मूलियाँ जो है बहुत मिट्टी ने जकड़ रखा है. और जैसे कि आप देख रहे हैं मूलियों को निकाल के ये ग्राउंड खाली कर देंगे यहाँ पे. और मूलियाँ काफ़ी जकड़ चुकी हैं, इसलिए जो है हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है. मूली है मेरे हस्बैंड को खींच रहा है और हस्बैंड मेरे मूली को, तो इसलिए उनको थोड़ी हंसी भी आ रही है. और साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों की बेल जो है लगी हुई. ये खीरा है, उसको हमने कपड़े पॉलिथीन से ढका हुआ है ताकि बंदरों की नज़र ना पड़े. इसको भी हमने पॉलिथीन से ढका था. ये हमारी ये जो भी मैंने दिखाई थी ताज़ी कद्दू फ्रेश तोड़ी हमने, और पहली फसल की पहली सब्जी. करके रख देंगे यहाँ पे. चप्पल इसलिए टांगा है कि नजर न लगे. और यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से फ्रूट और लगे हुए सब्जियाँ और लगी हुई हैं. पॉलिथीन को हम ऊपर करके रख देते हैं. जैसे आपको दिख रही होंगी लाल, पीली, हरी पॉलिथीन है सब. इन सब के अंदर सब्जियाँ लगी हुई हैं. ये छोटा सा कद्दू अभी हो रहा है, 1-2 हफ्ते में ये भी तैयार हो जाएगा खाने के लिए. और हमारा जो है परिवार बहुत बड़ा है, पहली फसल हम परिवार में बांटते हैं. और चप्पल हमने बता दिया, मैंने चप्पल क्यों टांगी हुई है. और टाइम टू टाइम हम यहाँ पे थोड़ा सा सब्जियों में कीड़ा लग जाता है तो गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं ताकि कीड़े ना लगे. गौमूत्र का पानी भी छिड़कते हैं. और यहाँ पे हम आगे चलते हैं थोड़ा. ये जो कद्दू दिख रहा है आपको अभी थोड़ा है. यहाँ पे मैंने टब में, छोटे से टब में पुदीना लगाया हुआ है. यहाँ पे टंकी का पानी टपकता रहता है इसलिए पानी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.